तस्वीरें हैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के बाहर की, जहां शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले तो उन्हें भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट से निकलते ही शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर को कांग्रेस समर्थकों ने घेर लिया। सुनंदा पुष्कर समर्थकों से किसी तरह बचती हुई गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगी, लेकिन अचानक क्या हुआ देखिए। सुनंदा पुष्कर किसी तरह भीड़ से निकलने की कोशिश करते हुए कार की तरफ बढ़ी। इसी दौरान अचानक सुनंदा पुष्कर ने इस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को सुनंदा ने थप्पड़ मारा, उसने सुनंदा के साथ दुर्व्यवहार किया था। जब ये घटना हुई उस समय शशि थरूर भी सुनंदा के साथ थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। शशि थरूर ने कहा है कि आरोपी शख्स की पहचान हो गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के साथ दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में थरूर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। थरूर को मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले शशि थरूर मनमोहन सरकार में ही विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आईपीएल की टीम कोची को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।